जय माता दी। दोस्तों, जादवी टोटके में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया साल 2023 में कब मनाई जाएगी और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है और अक्षय तृतीया की पूजा विधि क्या होगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जादवी टोटके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी भी क्षय यानी नाश ना हो। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी या शुभ कार्य करने से हमेशा इसमें वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करने, दान, स्नान और जप आदि करने पर कभी भी शुभ फल की कमी नहीं होती। वहीं खास तौर पर अक्षय तृतीया के दिन विशेष तौर पर सोने के आभूषण की खरीदारी की जाती है। मान्यता है कि इस दिन सोने और चांदी के आभूषण खरीदने से व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे व्यक्ति का जीवन सुख, समृद्धि और वैभव का वास रहता है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया एक अभुज मुहूर्त है, यानी ऐसी तिथि जिसमें किसी तरह का शुभ कार्य या खरीदारी करने के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता। बिना शुभ मुहूर्त के सभी तरह के शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ था और इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ भी हुआ था। इसके अलावा इसी दिन बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं और अक्षय तृतीया के दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। दोस्तों, अक्षय तृतीया का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर के श्री विक्रय के चरणों के दर्शन होते हैं। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं। अक्षय तृतीया के दिन विवाह करना, सोना खरीदना, माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। आप अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करें। हो सके तो इस दिन गंगा स्नान अवश्य करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें, उन्हें रोली अक्षत लगाएं, फूल माला चढ़ाएं, नैवेद्य में जौ, गेहूं या सत्तू, ककड़ी और चने की दाल आदि का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं, आरती करके विधिवत पूजा करें। अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, इस दिन फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊं, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि का दान करें। ऐसा करना पुण्यकारी माना जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि साल 2023 में अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को मनाई जाएगी और तृतीया तिथि की शुरुआत 22 अप्रैल 2023 की सुबह 7:49 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 23 अप्रैल 2023 को सुबह 7:47 पर हो जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:49 से लेकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 4:31 की है और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का समय 22 अप्रैल की सुबह 7:49 से लेकर 23 अप्रैल की सुबह 5:48 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 21:59 की रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।